हरियाणा के चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपके मैदान में आने से हरियाणा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो रेवाड़ी की सियासी समीकरण की बात की जाए तो कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं काजोल नारायण, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। हरियाणा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में कुछ लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं तो कुछ लोगों को अपनी सियासी जमीन खोने का डर सता रहा है। हरियाणा के चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपके मैदान में आने से हरियाणा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाजपा सत्ता में वापस आ रही है तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि आपकी वापसी से ही रेवाड़ी का भला होने वाला है। कई लोगों को ये भी लगता है कि रेवाड़ी का कैप्टन चिरंजीवी ही होंगे। वैसे तो रेवाड़ी की सियासी समीकरण की बात की जाए तो कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। रेवाड़ी सीट से कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव के 5 बार और 1 बार उनके बेटे चिरंजीव राव विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कैप्टन परिवार की राह आसान नहीं होने वाली। इसकी वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन्हीं सियासी दावों को परखने के लिए हमारे संवाददाता ने रेवाड़ी की आम जनता से रूबरू होने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि इस बार कैप्टन का जादू चलेगा या कुछ और बड़ा बदलाव होगा। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा में। रेवाड़ी विधानसभा हरियाणा का क्षेत्र और हरियाणा की विधानसभा, क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, जनता के मंसूबे क्या हैं और जो विधायक के दावेदार हैं, तमाम उम्मीदवार हैं, वो क्या दावे मंसूबे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता क्या मूड बनाकर बैठी है। तमाम चर्चाएं चुनावी चौपाल पर, किस्सा कुर्सी का क्या होने वाला है, तमाम बातचीत करेंगे। और आइए चलते हैं गांव, कस्बों, शहर में और जनता से बातचीत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा के खटावली गांव में और यहाँ के बड़े बुजुर्ग और युवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है हरियाणा विधानसभा चुनाव का, क्या होने वाला है चुनाव के समीकरणों में, कौन पसंद किया जा रहा है और किसकी हवा तेज़ है, किसका बिगुल बज रहा है, तमाम चर्चाएं करेंगे। दादा राम राम। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? आज़ाद भाई। आज़ाद जी, बताइए कि क्या चल रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा में, क्या होने वाला है? भाई रेवाड़ी विधानसभा में तो चिरंजीव राव ही जीते को कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, हाँ, क्यों देखते हैं कि चिरंजीव राव अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है? भाई उसका बाप दादा कांग्रेस में रहा, बढ़िया काम करया, यहीं राजनीति विरासत में मिली है जी। और बढ़िया काम करे, बढ़िया आदमी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि लंबे समय से उन्होंने, उनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, अब नया व्यक्ति होना चाहिए, नया बदलाव होना चाहिए? ऐसे कोई कौन है उनका मुकाबला में, उनका मुकाबला में कोई आदमी कौन है भाई, एक तरफ है कति एक तरफ। बीजेपी का क्या लगता है? ये बीजेपी वाला के तो जमानत भी ना बचे, ऐसी हालत है, ऐसी हालत कर दी इन बीजेपी का नुमाइंदा ने। अच्छा, इंद्रजीत ने, राव इंद्रजीत ने टिकट कटवा के ऐसे कर दी। हाँ। अगर लक्ष्मण यादव जो विधायक है वे को, हाँ, बीजेपी को, वो कोसली तो लड़ तो जीत तो बेचारो, लेकिन टिकट कटवा के उसे भेज दे रेवाड़ी की जबान से बिना बचे। अब क्या लग रहा है कि क्योंकि अन्य पार्टियां भी हैं, सन्नी यादव हैं इसमें, सतीश यादव हैं, क्या लगता है? भाई सतीश यादव की याले अगर एतवार ने केजरीवाल आ जाए रेवाड़ी, हाँ, तो वह तो कि समीकरण बदल जाए तो बदल जाए, नहीं तो एक तरफा हवा है चिरंजीव राव की। तो सतीश यादव को भी अच्छा चेहरा मान रहे हैं आप? ना, चेहरा तो खूब बढ़िया है भाई, मारो नज़दीक है, मारो गाँव वाली है, कोई दूर थोड़ी है, मारते अच्छा है, अच्छा खूब बढ़िया, विकास कर सकते हैं, खूब कर सके भाई। तो सतीश यादव अगर आम आदमी पार्टी से केजरीवाल आते हैं, महारैली को संबोधित करते हैं क्षेत्र में, तो बदल सके से, बदल सकता है, फिर बदल सकता है समीकरण, बिल्कुल, हाँ समीकरण बदल जाएगा फिर तो। अगर ऐसा हुआ तो सतीश यादव की हवा तेज होगी? तेज नहीं, फिर जीत ही जाएगा। अच्छा, हाँ पक्का जीत जाएगा फिर, यो पक्का जीतेगा। तो सतीश यादव की क्या खास बात है जो वो जीतने की उस दौड़ में आगे जाते हैं? भाई पहले वो जिला प्रमुख रह चुका जी, और जो वकीलों का बार होता है उस बार एसोसिएशन का 2 बार प्रधान रह चुका वो, उसमें दोनों में बढ़िया काम किया, जब भी 2 बार बना है वो। और टिकट पहली अगर आ जाए केजरीवाल, संडे ना हो, कह रहा है एतवार ना होगा, एतवार ना आ गया तो समीकरण बदल सके, समीकरण बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा।
क्या लगता है कि वो अच्छे काम करेंगे जनप्रतिनिधि होकर इस क्षेत्र का? भाई अभी तो वो कुछ भी नहीं है सतीश यादव, अगर कोई भी आदमी उसके पास जाएगा तो वो वही तुरंत एक्शन लेकर काम करवाता है, किसी भी अफसर का हो, कोई महकमे का हो, आदमी के उसी टाइम साथ जाके काम करवाता है वो। अच्छा नेता माना जाए? हाँ बिल्कुल अच्छा नेता है, इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। अच्छा भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला कौन सा? आम आदमी और कांग्रेस का बीच में ही है मुकाबला, भाजपा कुछ नहीं है। जमानत ही ना बचे बचनी इनकी तो, हकीकत में इनकी जमानत भी ना बचे भाई जी। हाँ नहीं देख लियो आओगे आके तो 5 तारीख 8 तारीख ले जमानत भी ना बचे इनकी। ऐसा क्या कारण मान रहे हैं आप भाई? जमानत जब्त होने वाली है? जमानत नू जब्त होगी जो मारो उरा को प्रतिनिधि थो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, ऐने इनकी माटी फलित करी सारी, बावड़ से टिकट कटवा दी वो बावड़ वालो बिहार है गो, नून रेवाड़ी कटवा दी वो की रणधीर की तो जो रेवाड़ी वालो बिहार है गो, नूना टेली से कटवाई जितनी टिकट कटवाई पटौदी में कटवाई एक भी ना जीतते हैं को एक भी सीट। स्थिति खराब है मतलब? बुरी खराब ना बिल्कुल, रेरे माटी करवा दी की ये बेचारा आगे इलेक्शन में लड़ रहेगा। तो सतीश यादव और राव इंद्रजीत की? सतीश यादव और चिरंजीव राव की है टक्कर तो। और ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं इस बार मुद्दे कौन से होने वाले हैं? भाई मुद्दा तो यही बेरोजगारी को ही है बस, बेरोजगारी और सब काम सही है। भाजपा का शासन 10 साल से रहा, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई देख शासन में मारे तो देख ये बात की तो कही जाएगी बीजेपी के वाड़ा की, अखबार का तो नौकरी तो मिली है बगैर सिफारिश के। अच्छा दो ने मिली, चार ने मिली या एक ने मिली, वो मिली है बगैर सिफारिश के, वह बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन मेन इनकी नाराजगी को पब्लिक को यही है, अब जो ये बड़ा नुमाइंदा था ये ही कहीं काम करना है इन, नहीं करो जो भी कुछ नाश करो एरिया को नाश करो इन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अच्छे हाँ अच्छे नहीं रहे आज तक, इससे पहले जितना भी आया सारा घटिया रहा है। मतलब मुख्यमंत्री और हाईकमान जो भी रहा प्रदेश का वो अच्छा है? वो अच्छा है। तो वो सरकार अच्छा है। किसकी बनती देख रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में सरकार तो भाई कांग्रेस की बनेगी। तो जब अच्छा कार्यकाल रहा तो फिर मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? किनको? भाजपा को। भाजपा कार्यकाल तो खराब कर देने ना, वोट टिकट कटवा उन पुराना आदमी की। अच्छा पुराना आदमी की टिकट कटवा दी, काम करे उनकी टिकट ना मिली तो दूसरा कौन देगो? तो क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनती देख रहे हैं कांग्रेस? ना कांग्रेस की पूर्ण बहुमत तो बनेगी भाई, 60-65 के बीच में सीट आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि समीकरण बदलेंगे और बहुमत किसी का भी नहीं होना है। ना ऐसे ना हो, बहुमत तो जरूर आओगे, बहुमत तो पूर्व आओगे और कांग्रेस को आओगे। ये बताइए कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कितनी सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाएगी? भाई 22 से 25 सीट तो निकालेगी आम आदमी। आम आदमी 22-25 सीट तो आराम से निकालेगी, आराम से निकालेगी इतनी सीट तो। और भाजपा की कितनी निकलने की संभावना है? भाजपा की तो 5-4 सीट आ जाए तो आ जाए पूरा हरियाणा में। मतलब पूरा गेम जो है वो आम आदमी और कांग्रेस के बीच है, इन्हीं के बीच है। और यहाँ देखें तो रेवाड़ी में 2 ही कैंडिडेट हैं जो फिलहाल तो, एक ही है फिलहाल तो चिरंजीव राव है। लेकिन केजरीवाल अगर आए, केजरीवाल अगर आ गए हो तो समीकरण बदल दिया जाएगा। अच्छा, पक्का बदल दिया जाएगा। दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के काम रहे उससे आपस बढ़िया, बहुत बढ़िया काम भाई दिल्ली में, बहुत बढ़िया काम। दिल्ली की देखो देख तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी उरे, तो मुफ्त बिजली की बात तो यहाँ भी की जा रही है। हाँ ये भी कर रहे हैं, ऐसे बनेगी सरकार तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगा। तो अगर आप मौका देंगे तो फिर होगा ही सही? हो भी सके भाई। तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? हाँ अगर केजरीवाल आ गया तो हम वही गैल चलाएंगा भाई, सतीश यादव गैल जाएंगे सीधा क्लियर जाएंगे भाई, फिर तो कोई रोक टोक ही ना है। केजरीवाल से समीकरण बदलेगा? हाँ सतीश यादव अच्छा चेहरा है, बढ़िया चेहरों से हमारे गाँव वाली भी है जी, वकील भी रहे, वो गल रहा भी हाँ काम भी करवाए, वो बाप भी वकील तो बढ़िया आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये खटावली गांव रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है, लगातार हमारी चर्चाएं ग्रामीणों शहरी लोगों से चर्चा चल रही है, जनता का क्या रुझान है, जनता किसके साथ खड़ी है और जनता के मन में क्या है, तमाम वो सवाल अनछुए सवाल उनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं, खंगाल रहे हैं जनता के मूड को, टटोल रहे हैं जनता के मूड को कि आखिरकार जनता इसके इस विधानसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी है। यहाँ पर पंचायत सजी है
कुछ बड़े बुजुर्ग युवा भी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव का। आइए चर्चा करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी बताइए क्या माहौल चल रहा है विधानसभा रेवाड़ी का? रेवाड़ी विधानसभा का माहौल अभी कुछ भी नहीं पता है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, सभी घूम रहे हैं। जो बीजेपी के रुष्ट नेता थे उनका अभी से साफ आंकलन नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपके अनुभव, आपने कहीं चुनाव देखे, कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, अब क्या लगता है कि इस बार रेवाड़ी विधानसभा कौन विधायक हो सकता है और किसको मौका मिलना चाहिए? देखो रेवाड़ी विधानसभा को बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। ये कांग्रेस को तो 40 साल हो गए इस विधानसभा में रहते और एक रुपया कभी आज तक काम नहीं किया है। तो कोई दूसरा ने, अब जैसे पीछे बीजेपी की सरकार थी जब भी यहाँ से विधायक नहीं था, अब जब हम वहाँ सरकार के पास जाएं तो तुम्हारा विधायक काम करेगा, विधायक हमारा है, हम ये चाहते हैं कि विधायक वो ही हो जो सरकार में हो। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जो विधायक के उम्मीदवार होते हैं लंबी फहरिस्त लेके आते हैं कि हम जनता के हित के लिए, जनता के सरोकार के लिए ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव होते ही शायद गायब हो जाते हैं। चुनाव से होते ही कोई बात नहीं करता, आप अपनी गठड़ी रपन रहा, कोई किसी के पास नहीं आता, लो प्रलोभन देने का काम चल, प्रलोभन का बहुत ज़्यादा चल रहा है। पेंशन 6,000 देंगे, 8,000 रुपये कट आएंगे, 2,100 रुपया 2,000 महिलाओं को मिलेंगे, ये सब जुमले हैं और इन जुमलों से हमारा देश गर्क पिछड़ रहा है। तो क्या लगता है पेंशन मिलती है आपको? पेंशन कर मुझे तो नहीं मिलती, मैं नहीं लेता, वैसे मैं 70 साल उम्र करीब है, मैं पेंशन नहीं लेता। नहीं लेते हैं, पर पात्र हैं? पात्र हैं। जो पात्र हैं क्या लगता है कि कौन सी सरकार में अच्छी पेंशन उनको मिली है बुजुर्गों को? बुजुर्गों को तो जैसे बीजेपी ने अपना वादा किया था कि भाई हम 3,000 कर देंगे, उन्होंने अपने 5 साल में पूरा वादा किया है। अब ये कांग्रेस कह रही है कि हम 6,000 कर देंगे, हमारे तो सपनों में उतरते नहीं एकदम, कल 6,000 कैसे कर देंगे, कहाँ से आएंगे, ये तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा भारत का। अभी अन्य पार्टियाँ भी जंग के मैदान में है चुनावी दौर में, आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस हैं और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू हरियाणा में चल पाएगा? झाड़ू हरियाणा में नहीं चल पाएगा, एक दो सीटों पर है फैक्ट, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद नहीं है। सतीश यादव यहाँ के कैंडिडेट हैं आम आदमी से, क्या है उनका जनाधार? उनका तीसरे नंबर पाने की उम्मीद है, तीसरे नंबर। हाँ, लोग कह रहे हैं कि टक्कर भाजपा के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होनी, क्या लगता है? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है यहाँ। तो सतीश यादव को कितना मानते हैं कि वो? सतीश यादव को ठीक है, सतीश यादव का अपना निजी वोट है जी, अपने संपर्क का वोट है जी। हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी का नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सतीश यादव ठीक है तो वोट मिलेगी, इसलिए मौका मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम से वोट नहीं मिलेगी, आम आदमी के लिए नहीं मिलेगा। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा आप क्या कहेंगे? भाई ऐसा है कि अभी चुनाव की स्थिति साफ नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं है कुल मिलाकर। हाँ, बाकी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का ही रहेगा, कांग्रेस भाजपा टक्कर दो में, और कोई ताज्जुब नहीं का भाजपा सीट निकाल जाए, क्योंकि लोग 30 साल से परेशान है इस कांग्रेस के एक ही विधायक से, 10 साल से तो सरकार रही है हरियाणा में, तो ये कैंडिडेट तो ये कांग्रेस का ही रहे रेवाड़ी विधानसभा में। प्रदेश का हाल सही है? मतलब प्रदेश का हाल सही है, यहाँ बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ बदलाव, बदलाव में कुछ लोग भाजपा से भी नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, तो विकल्प तौर पे कौन हो सकता है? ना वो दो ही पार्टियों को वोट जाएंगी, भाजपा और कांग्रेस, बाकी ये लोग घूम रहे हैं। चलिए और लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं। दादा क्या नाम है, नाम क्या आपका? अरे उनसे बात, अरे नाम क्या है आपका? मेरा तो कालू नाम है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव से बात करना यार? चलिए बात करने से बच रहे। दादा आप क्या कहेंगे? हम तो भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को देंगे। सरकार किसकी बना रहे हैं? भाजपा की बना रहे हैं। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दादा आप क्या कहेंगे? क्या बोलो, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव? अजय चुनाव में क्या लग रहा है, माहौल किसका है? हमारा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का? ये लोग कह रहे हैं दादा कि भाजपा ठीक है। मैं सबका मन नहीं जानता जी, मैं अपने मन जानता, अपने मन की। ये कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस ने कांग्रेस है, अब भी कांग्रेस। कांग्रेस के क्या काम अच्छे लगते हैं आप? हमें तो बहुत कुछ अच्छे लगते हैं। भाजपा के नहीं लगते ना? भाजपा कुछ नहीं करती? नहीं कुछ नहीं करिया।
कांग्रेस ने हमें जमीन दी, कांग्रेस ने हमें प्लाट दिए, इन्होंने कुछ नहीं दिया। बोल रहे हैं वृद्धा पेंशन दी उनको, ठीक क्या वृद्धा पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को, पेंशन मिलती है, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी, हाँ मिली है। भाजपा तो जैसी गवर्नमेंट है वो तो काम तो होगा ही, गवर्नमेंट बदलेगी तो काम भी बदलेगा। आम आदमी पार्टी को क्या देखते हैं? कुछ नहीं देते हम, 90 की 90 सीटों पे उम्मीदवार उतार, हमारा एक भी नहीं है हमारा। कांग्रेस से गठबंधन होना था कांग्रेस, कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बन रही है ना, हम नहीं जाए कहीं भी, शुरू से ही कांग्रेस है, अब भी कांग्रेस ही है। चलिए दादा आप क्या कहेंगे? मैं तो क्या माहौल, चलिए और लोग मौजूद है, दादा नीचे आ जाइए थोड़ा। क्या लग रहा है इस बार, क्या हो रहा है माहौल रेवाड़ी विधानसभा? भाई रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को दिया है कि यहाँ त्रिकोणीय तो मुकाबला है। त्रिकोणी? हाँ। कौन कौन है त्रिकोणी में? त्रिकोणी में बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी। आप पार्टी भी हैं? हाँ जी, लेकिन आप पार्टी तो तीसरे नंबर पर जाएगी, लेकिन ये है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में टक्कर है। टक्कर है, हाँ जी। और हम तो ये चाहेंगे भाई सेंटर में जैसे मोदी है तो यहाँ भी कैंडिडेट भाजपा का हो, भाजपा का हो और मुख्यमंत्री भी भाजपा का। हमारे क्या है जी, हमारे गांव में 5-6 लड़के लगे हैं जी बिना पैसे के। एक तो मेरी भतीजी लगी है IPS और खुद का मेरा लड़का लगे बिना पैसे के। और कांग्रेस में तो इतना भ्रष्ट तो होती, पैसा कोई ले आया ना ले, लेकिन कैंडिडेट का ना तो पैसा जाया था, ये बाग कितना पहुँचा था कितना ना पहुँचा था वो हम ना बेरो, लेकिन हर आदमी से पैसे लिए जाके भर्ती होते थे। चूँकि आप बात कर रहे हैं टक्कर की कि 3 त्रिकोणी मुकाबला हो सकता है, आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार मानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जी ऐसा उसकी खुद की जो निजी वोटें हैं वो जाएगी, लेकिन पार्टी के नाम से यहाँ से कोई वोट, पार्टी के नाम से नहीं व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से ठीक है जी, उसकी जो भी 15-20 हज़ार जो वोटें हैं वो तो सतीश यादव भी संभावनाओं की कगार पर हैं? नहीं जी, तीसरे नंबर पर, तीसरे पर, हाँ जी दूसरे नंबर पर। लोग तो कह रहे हैं अच्छा नेता है, मौका मिलना चाहिए विकल्प। देखो जी होगा, लेकिन हमने तो कभी राजनीतिक में देखा नहीं था, पहली बार आया है तो फिलहाल उसकी इतनी वोटें नहीं है। चलिए दादा ये कह रहे हैं कि बिना खर्चे पर्ची के कांग्रेस में नौकरियां नहीं मिलती थी युवाओं को? किसी को नहीं मिलता होगा, जो हमें तो मिले। आपको मिल गई? मिले। किसको मिली? क्या नौकरी किसको मिली? नौकरी बच्चे थे हमारे एक दो लग गए, और के कोई सारा काम लगाया। कैसे लगे? बिना पैसों के लगे कि बिना खर्चे? हमारे बगैर पैसे लगे, बिना खर्चे पर्चे के। दादा ये कह रहे हैं बिना खर्चे पर्चे के नौकरी लगे? भाई दादा का लगा होगा, महाराष्ट्र का हमारा काम आते तो कहीं नहीं ले लो, बिना कांग्रेस बिना पैसा के तो लग गया ना। क्या कह रहे हैं? कौन सा पोता लगा बाबा बताओ, चलो नाम बताओ मेरे तो। हैं राजू को छोड़ो, क्या लाग रहे हो? तो है तो डीसी रेट में लाग रहे हो? डीसी रेट में तेरा लड़का था 20 साल कर रहा है, वही परमानेंट नहीं किया उसने? परमानेंट नहीं है, नहीं किया उसने, और उसी का मैं बता रहा हूँ 50 साल उनके साथ उठता बैठता। ये कह रहे हैं परमानेंट नौकरी नहीं है, सिर्फ परमानेंट नहीं है, गवर्नमेंट जाने। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जाने। और इतना कारण में कितना राशन दिया है BPL को? और अब भूल जा बेशक, यानी सेंटर का राशन लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट का राशन लगाया है, और सब चीज़ें दी है। तो हम तो ये कहते हैं भाई कांग्रेस वाले तो कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी कर रहे हैं। टक्कर बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी में भी है, और आम आदमी भी अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण जो कैंडिडेट हैं वो अच्छा जनाधार रखते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस का टकराव है। हाँ, यही जी। आपको बता दें कि ये गाँव रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ की जनता क्या मूड बनाकर बैठी है, क्या विकास कार्यों की बात करेगी, क्या इस बार प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं, तमाम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दादा क्या नाम है? लाल चंद। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा में क्या होने वाला है? अहमद भाई वो ही रहे, जो पहले थे वही रहेगा, पहले थे वही रहेंगे, बदलाव नहीं चाहेंगे? भाई बदलाव चाहने की तो कोशिश करे, तुम्हारा जो मान ले जो ये सांसद है जी, वो काम ही ना कर भी हमारे देखी इधर जी, क्या देख रहे हो बताओ? विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास कुछ। तो आप भाजपा को चाहते हैं कांग्रेस को चाहते हैं? भाई काम तो बाहर कर रही है, लेकिन हमारे एरिया में तो नहीं कर रहे ना नेताजी। भाजपा काम नहीं कर रही है हमारे एरिया में ना कर, बाहर तो बढ़िया काम हो रहा है बताओ। तो यहाँ क्या चाहते हैं रेवाड़ी विधानसभा में, कौन होना चाहिए रेवाड़ी विधानसभा में? भाई तो ये तो नया चेहरा, मुश्किल है इसका। विकल्प चुनेंगे, विकल्प
क्योंकि इस बार कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं दमदारी दिखा रही है, तो क्या लगता है कि दिल्ली वाले केजरीवाल का झाड़ू हरियाणा में चल पाएगा? नारे ना ना ना, उसका नहीं चलेगा। सतीश यादव मैदान में है आम आदमी से, वो भी कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो कौन चलेगा फिर? बाण की टक्कर दो हुए जी भाई, दो ही की है। विकास कार्य क्या क्या हो चुके हैं और क्या होने चाहिए आपके मुताबिक? बदलाव चाह रहे हैं लेकिन बाहर हूँ ज्यादातर जी। दादा आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार जी। क्या लग रहा है रेवाड़ी विधानसभा क्या कह रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी? बिल्कुल। क्यों? बढ़िया काम कर रही है सरकार। बढ़िया कर रही है? हाँ, हमारे गांव के अंदर काफी बच्चे लगे, नौकरी लगे हैं। इससे पहले कोई एक बच्चा एक भी नहीं लगे, अब 10-12 बच्चे नौकरी मिली बच्चों को। गांव में काफी सड़क बनी है, गलियां बनी है, रोजगार मिल गए, सड़कें बन गई, पानी मिल रहा है घर घर, पानी मिल गया। कई लोग कहते हैं पानी की आज भी समस्या है। नहीं जी, हमारे गांव में देखो कितना पानी भरा, जोड़ी देखो फुल। जल भराव की समस्या होना अलग बात है और पीने के पानी की व्यवस्था, पानी खूब हो रही है जी, पानी खूब मौज हो रही है जी, सप्लाई 3 दिन है जी गांव के अंदर। अच्छा, पानी मौज। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है गांव में? स्वास्थ्य व्यवस्था तो जी हमारे रेवाड़ी लगता ना जी, सरकारी अस्पताल में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? नहीं है गाँव के अंदर, नहीं है गाँव के अंदर, नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए जी, होना चाहिए, होना चाहिए। कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन सी? बीजेपी। बीजेपी ही करेगी और कोई नहीं करेगा? और तो नहीं करेगी जी। क्यों? क्योंकि आज हमने जब 10 साल पहले देख लिया, दावे तो सब करते हैं, आम आदमी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, हम भी करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, आम आदमी तो पार्टी का कैंडिडेट कहता है सर। आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं चली बिल्कुल भी। सतीश यादव लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम पसंद करेंगे। देखो वो सबकी पसंद अपनी अपनी बात है, बाकी आम आदमी पार्टी यहाँ हरियाणा में नहीं चलेगी, नहीं चले। कांग्रेस और कहीं ना कहीं गठबंधन होना था, हालांकि नहीं हुआ। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी के कैंडिडेट है। क्या लगता है कितने कैंडिडेट इस बार सफल हो पाएंगे? किसके? आम आदमी के। आम आदमी के जी एक भी नहीं हो शायद, एक भी ना हो ना जी। मतलब यहाँ बीजेपी आ गई, बीजेपी पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से। चलिए आप क्या कहेंगे दादा? बस बीजेपी आओगी और बीजेपी आ जाएगी। कैसे आएगी? आवेगी यार, अच्छा काम कर रहा है। कोई लोग कहते हैं कांग्रेस अच्छा कर रहा है भाई, या तो सब अपना अपना वो गावेगा। किसान नाराज हैं भाजपा के सरकार में, लोग कह रहे हैं कि रोजगार सही नहीं मिल पाए। भाव तो हमने तो बढ़िया मिल रहा है, हमने तो कभी पहले मिले हो ना, बहुत रुपये का तो 1,011 ये 24 रुपये। किसानों की फसलों के दाम या आय दोगुनी हुई क्या? हाँ? प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है आय हुई भाई, आय को तो पता ना, लेकिन बाजरो बोझरो मारो बढ़िया भी करा, बढ़िया भी करा। चलिए दादा आप क्या कहेंगे? मुँह ना सुने ना सामने मेरा। दादा आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कौन बन रहा है विधायक? भाजपा। भाजपा बन रही है। आप दादा क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? बराबर चल रही टक्कर, टक्कर चल रही है। चुनाव का तारीख की ऐलान हो चुका है, नजदीक बाद में चल जाएगा। तो फिर भी आपके मुताबिक कौन होना चाहिए? सीएम रेवाड़ी का विधायक। रेवाड़ी का विधायक ठीक है, चारों चारों ही ठीक है, चारों ही बना दिए जाए, या चिरंजीवी या लक्ष्मण, दोनों टक्कर रहेगी। और ये आम आदमी का कैंडिडेट? आम आदमी तो हरियाणा मुश्किल है, मुश्किल है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा आप क्या कहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस बन रही कैसे? ये सब लोग कह रहे हैं बीजेपी बन रही है, तो बीजेपी वाला बीजेपी क्या है, कांग्रेस वाला कांग्रेस ही कहेगा। तो अपनी अपनी कहेंगे, लेकिन बनेगा तो वोट बनेगा तो कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस पक्का। ये सब कह रहे हैं कि सब विकास कार्य तो भाजपा ने किए, कांग्रेस ने कुछ भी ना करे, गरीब आदमी नु कानून रहेगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ। माहौल कांग्रेस का है? हाँ जी, रेवाड़ी में तो कांग्रेस का ही माहौल है, कांग्रेस का है रेवाड़ी में। तो ये आम आदमी पार्टी का क्या हो रहा है भाई? शून्य बोले, शून्य शून्य, आम आदमी शून्य शून्य। दादा आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल से सभी को पहले नमस्ते बोलना चाहूँगा, और अभी हरियाणा के अंदर रेवाड़ी की स्थिति बताना चाहूँ तो रेवाड़ी के अंदर बीजेपी ने फिलहाल कोई काम नहीं किया है। इंद्रजीत ने सांसद बनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन सांसद ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। जो काम देखे हाँ, कब तक हाँ, वो आज तक वोट मांगने तक भी नहीं आते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में उसने सांसद जी ने कोई काम नहीं किया है। और विधायक की बात करें तो विधायक को लक्ष्मण यादव को बाहर के आदमी को टिकट दे दिया, ठीक, वो भी हमारे क्षेत्र में जान पहचान किसी से संपर्क नहीं है। लोग कह रहे हैं रेवाड़ी के रहने रहते हैं, रेवाड़ी में रहते हैं रेवाड़ी के अंदर, लेकिन वो लोगों से कभी जुड़े नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कभी लोगों के पास आए नहीं, बैठे नहीं, उठे नहीं, किसी में किसी तरह भी नहीं जुड़े हैं। बीजेपी पार्टी से कभी उसकी वो नहीं मिलने वाली,
और कांग्रेस के अंदर जो चिरंजीव राव है वो हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ रहा है और कभी भी वो दुख में सुख में हमेशा शहीद वो साथी हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार रेवाड़ विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेगी। तो फिर टक्कर किन में होने वाली है? जब आप कह रहे हैं भाजपा कमजोर साबित हो रही है तो फिर टक्कर में कौन होगा? टक्कर में कोई नहीं होगा जी, बिल्कुल कांग्रेस क्लियर जाएगी। आम आदमी पार्टी, सन्नी यादव सब अलग अलग तो दावे कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं लेकिन वो अपना जो इतना होगा, लेकिन जीतने वाली कांग्रेस है। टक्कर तो होगी किसी ना किसी में। टक्कर बीजेपी की है और कांग्रेस की है, टक्कर दोनों की है जी। दोनों की है हाँ। और हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है गया है। बीजेपी ने क्या किया है? नोटबंदी कर दी। नोटबंदी के अंदर देखो काला बंदी पुरानी बात हो गई और ये लोग कह रहे हैं कि विकास किया, सड़कें बन गई, जल की अच्छी इच्छा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी है, क्या क्या और बिना खर्चे पर्चे के कांग्रेस में रोजगार नहीं मिलता था उसको लेकर क्या? रोजगार क्यों नहीं मिलता था? कांग्रेस के टाइम में रोजगार खूब मिलता था। अब बताओ मिलता था? हाँ मिलता था जी। दादा कह रहे हैं कि कांग्रेस का 10 साल का शासन हमारा गांव का एक या दो बालक लग गया और इब बीजेपी का राज में 10 बालक लग गया बिना खर्ची पर्ची के, मेहनत से, गरीब का भी अमीर का भी सबका लग गया। तो ये लोग कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के 10 बालक कदे भी ना लग गया, 10 साल की योजना में 10 बालक लग गया हमारा गाँव का। कोई पुलिस में, कोई टीचर, कोई बिजली बोर्ड में जेई, कोई ऐसे लग गया से भाजपा में लगे सब। भाजपा में 10 बालक लग गया बिना खर्ची पर्ची के। दादा आप क्या कहेंगे? लगे था देखो, लगे भाजपा में ही लगे। हाँ इसी का लग गया से, मैं यहाँ ना कह रहा हूँ मेरा लग गया। लेकिन अब विधायक भाजपा का बन रहा है? भाजपा का पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत जी, आप क्या कहते हैं? अपनी बीजेपी का ना बने बहुमत से पूरी। क्यों? रेवाड़ी के अंदर लक्ष्मण कोसड़ी से आया अपना, ठीक है, पब्लिक में इतनी जानकारी नहीं है। आया थी मुझसे परिया को मिलती तो मुझसे परिया पार जाता। ये नया चेहरा है, नया चेहरा है लेकिन भाजपा का कैंडिडेट है, पहले प्रधान रह चुका है यहाँ से। क्यों? हाँ जिला अध्यक्ष रहा है और 40 साल से रेवाड़ी में ही सेक्टर 4 में रहता है। तो ये लोग कह रहे हैं भारी है? नहीं नहीं, 40 साल से यही सेक्टर 4 में उसका मकान है और यही रहता है। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष भी? देखो सेक्टर वे शहर इसमें कोई भी रह सकता है, आप फ्लैट ट्रेक रह सकते हो जी। जो गांव के अंदर जब पता लगता है रह रहा है तो फिर यहाँ की राजनीति को भली भांति समझता होगा, लोगों से जुड़ा होगा। कौन जैसे अरे रहता है जब क्या आता है वो सरणवास वाला आता है, गमी खुशी में सब क्या आता है, पहले भी आता सबका आ रहा था। गमी खुशी में जाना एक अलग बात है लेकिन विकास कार्य करना अलग बात है। क्या कहेंगे? पहले उसका कौशली हल्का था, वहाँ से वो विधायक था और अब वैसे मकान इसका रेवाड़ी में ही है और जिला अध्यक्ष भी रहा हो, लेकिन अब ये रेवाड़ी विधानसभा टिकट मिल गई इसको, तो अब इससे आगे आएगा। बढ़िया छवि है, ईमानदार है। क्या कहेंगे? ईमानदार कह रहे हैं। देखो जी बरतेंगे जब कह सकते हैं, हमें तो बरते नहीं, मौका तो मिलना चाहिए इससे। देखते हैं 25 तारीख के बाद में मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, अच्छा आदमी होगा तो मिलेगा। विधायक बन सकते हैं? ना ना ना, ये तो एक आदमी चुट्टू पुट्टू है। दादा क्या कहेंगे? बिल्कुल विधायक बनेगा जी, ठीक है, कम से कम 20-25-30 हज़ार वोटों से जीतेगा, ठीक है जी, ठीक है। ना जी ना जी, बिल्कुल हो के बीजेपी और कांग्रेस दोनों रह जाए, आम आदमी आगे निकल ना, बिल्कुल ना जी ना जा, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी तो ना निकलेगा, जीतेगा लक्ष्मण यादव, आम आदमी नहीं निकलेगा। सतीश यादव लोग कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से पसंद किया, वो भला है पर टिकट गलत से उससे हो गया संपर्क उसका आम आदमी से, वैसे ठीक था। पहले मेहनत भी करी थी उसको, निर्दलीय में उसको सहायता भी करी थी, हमारे गांव को पूरे को मिलता जुलता था, पर वो 5 साल से गांव में आना, संपर्क कम कर दिया उसको, जरा कम कर दिया। चलिए यहाँ पर हमने चर्चाएं की, आपने सुना जनता की जुबानी, जनता से रूबरू होकर क्या जनता का मन है। दादा क्या नाम है आपका? चांद सिंह। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों भाई? सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? भाजपा ने क्या नाकामी देखते हैं आप? नहीं भाजपा ने भी ठीक काम किया, कोई ऐसी बात नहीं। फिर क्यों बदलाव देख रहे हैं भाई? बदलाव चाहे भाई, काम होगा आगे। तो रेवाड़ी विधानसभा का विधायक चिरंजीव राव तो पहले भी कांग्रेस के रहे? हाँ कोई ना, तो यहाँ बदलाव नहीं चाहते? अच्छा आदमी है, यहाँ बदलाव नहीं चाहते? नहीं, शरीफ आदमी है। मुद्दे कौन से रहने वाले हैं इनका? मुद्दे तो भाई ये के पूरा कर रहे हैं, पूरा कहीं का मुद्दा होया है, इन्हें तो घोषणा तो करेंगे सभी। घोषणा करते हैं पर पूरी तो नहीं होती? हाँ, तो कौन कर सकता है पूरी? बस देखो हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई कहीं कराएंगे हम पूरी। हुड्डा साहब कर सकते हैं? हाँ। चलिए और लोग मौजूद हैं, दादा क्या कहेंगे आप?
आप क्या कहेंगे, नाम क्या आपका? मेरा नाम बलवान सिंह। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा? कांग्रेस का है। कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी इस बार मैदान में, क्या लगता है कि कितना दम भर पाएंगे? कम है, पिछले साल से भी कम है। कम है, कम क्यों मानते हैं? भाई नया आदमी आ गया। नया आदमी तो नहीं है, नया है दूसरा, उसका आ गया ना। रेवाड़ी का होता तो इसके पास वोट मिलती इसको। आम आदमी का? आम आदमी का कोई जिंदादन नहीं है, कोई जिंदादन नहीं आम आदमी का। कुछ लोग कह रहे हैं सतीश यादव अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। हाँ व्यक्ति तो है, अपने उसका तो जिंदादन नहीं है ना आम आदमी पार्टी। तो व्यक्तिगत रूप से तो लोग चाहेंगे ना? चाहेंगे तो वो बात तो नहीं बने ना, काम करने वाले को तो मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, अपने उतनी बात नहीं है। नहीं है तो टक्कर किन में होने वाली है? टक्कर दोनों में है, बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी कांग्रेस, तो कांग्रेस देख रहे हैं आप? हाँ कांग्रेस। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? मुद्दे तो जो सरकार रख रही है, देखो किसका क्या करेगा मुद्दा। तो रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार तो जब सरकार दे ही नहीं रही, 10 साल हो लिया कोई लगा ही नहीं रहे। लोग कहते हैं बिना खर्चे पर्ची के कांग्रेस में रोजगार नहीं मिलते युवाओं को, जो बीजेपी में मिलने लगे। ना ना ऐसा कोई नहीं है, बीजेपी में तो एक आदमी परिवार में ऐसा होगा, 10 आदमियों का कुनबा है तो वो एक पन्नी उसके हाथ में रखो और बाजार में अपना काम करवाता रहो, डॉक्यूमेंट पूरा, कभी ये रह गया कभी वो रह गया। बीजेपी ने तो ये हाल कर रखा है। गांव में क्या व्यवस्थाएं और होनी चाहिए? गांव में तो अव्यवस्था घनी है, हो ही नहीं रही पूरी, हो ही नहीं रही। क्या क्या होना चाहिए करते हैं इस मालाहेड़ा में? क्या होना चाहिए? ना तो कोई ग्रांट मिल रहा है, सरपंच बैठे हैं वैसे के वैसे। बताओ 10 लाख रुपये मिलते हैं, 10 लाख रुपये में सरपंच साहब क्या काम करा सकते हैं? कुछ भी काम नहीं हो सकता। ये 1700-1800 को बस्ती है, इसमें 10 लाख रुपये में क्या काम कराएगा एक साल में? बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब? आपके ग्रांट जो बस्ती है उसके हिसाब से ग्रांट मिलना चाहिए, उसे काम होना चाहिए। दादा भी यहाँ है, दादा से बातचीत करें। दादा क्या स्थिति इस बार देख रहे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की हाँ। और भी पार्टियां हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कोई नहीं आएगा? नहीं। गांव में क्या होना चाहिए विकास कार्य को लेकर? विकास काम ही ना हो रहा, तो क्या होना चाहिए? सब कुछ की बाउंड्री है, मार जोड़ की बाउंड्री है जी दादा, स्कूल की बाउंड्री है, धमे पड़ी है स्कूल, ये जोड़ है यहाँ गंद भरी दुनिया भर की, वो साफ स्वच्छता नहीं है ना, कोई स्वच्छता स्कूल बाउंड्री नहीं है ना, और क्या नहीं है? आधी पड़ी है, और क्या क्या नहीं है? बाकी तो काम चल जाए लोगों को, बाकी ये जरूरी है। सड़कें अच्छी है? हाँ सड़कें ठीक है, अच्छी है। गांव में जो पुराने नाले हैं सब टूटे पड़े हैं, पानी नालों की समस्या है, नालों की समस्या है, पानी रोडों पे भरे हैं, रोडा डाल डाल के उनके ऊपर के पावर धर के निकलते हैं लोग बाग जी, बड़ी भारी समस्या, काम ही नहीं होते। 10 लाख रुपए में क्या काम करवाएगा सरपंच? पुराने जो नाले हैं वो सब टूटे पड़े हैं, मेन रास्ता है परला उस पर पानी भरा है, कोई काम नहीं है। जल भराव की भी समस्या है। भैया आप क्या कहेंगे? मैं एकदत भारद्वाज, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं तहदिल से नमस्कार बोलना चाहूँगा। देखिए अभी जो चुनाव का जो माहौल है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है जी। बाकी जो चल रहा है अभी चिरंजीव राव का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है रेवाड़ी क्षेत्र में जी, आने वाले टाइम में भी। और अभी बीजेपी को लेके बहुत ही भारी समस्या है हमारे गांव में देखी गई, गंदे नालियों जो नालियाँ थी वो डैमेज हो चुकी है जी। और उनका जो पानी निकासी है वो हो नहीं पा रहा है। अभी बोल रहे थे कुछ टाइम पहले ग्रांट आई है जोड़ की जी। उसके जोड़ की बाउंड्री भी नहीं हो पाई है और स्कूल की बाउंड्री, स्कूल की भी नहीं हो पाई है, झोड़ की भी नहीं हो पाई, उसकी छटाई भी नहीं हो पाई, उससे बीमारी फैल रही है जी। और अभी मैंने 2013 के अंदर एक फाइल लगाई बिजली महकमे में, 2014 में बीजेपी सरकार यहाँ आई, 2,40,000 रुपये दे के वो कनेक्शन मैंने लगवाया। उसके बाद अभी आपातकालीन सिचुएशन में टंकी पे आपदा पड़ी कि बिजली आसमानी बिजली से ट्रांसमीटर मेरे फट गया जी। अभी बिजली महकमा ये बोल रहा है मेरे को कि भाई आपने जो टंकी लगवाई थी वो 5 साल की गारंटी में है। मैंने बोला हाँ ठीक है। अब बोला कि आपने ये गारंटी जो हमारा ठेकेदार था वो तो ठेकेदार जिस कंपनी के अंडर था वो भाग गई है, आपने 62,000 रुपये दे के नया लगवाना पड़ेगा। एक लोअर क्लास का आदमी, मीडियम क्लास का आदमी बार बार उसी चीज़ के पीछे भागेगा, कहाँ से वो पैसे? दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हाँ SDO बोल रहा है भ्रष्टाचार देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरेआम देख रहा हूँ। और अभी जहाँ तक मेरा उम्मीद रही है यहाँ तक, अभी यहाँ कांग्रेस होती और कांग्रेस पे उनके पास जाके हम फाइल लगाते हैं उनको दिखाते तो वो ग्रांट नहीं देनी पड़ती हमें पैसे जमा। विधायक कौन था अभी? अभी जो विधायक तो चिरंजीव राव था, लेकिन उसकी कहीं मतलब कि पीछे तो नाकामी मानते हैं राव। हाँ, चिरंजीव हाँ नहीं, राव चिरंजीव की नहीं मानता, बीजेपी की मानता हूँ। राव चिरंजीव ने तो विधायक तो यहाँ के थे, उन्होंने उनकी तरफ से नहीं थे ना, सरकार तो ऊपर बीजेपी की है ना, बीजेपी तो आई नहीं रही, काम कर ही नहीं रही। गाँव में एक बार आते हैं उसके बाद आते ही नहीं, वो देख मतलब देखने के लिए क्या, एक बार चुनाव अभी रुझान रहेगा तो वो 1 महीना 40 दिन खूब रोज आएंगे राउंड मारने, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं आएंगे।
क्या लगता है कि और चारों तरफ जो सड़कें हैं, चारों गांव की चारों सड़कें टूटी हुई है, हमारे गांव के अंदर एक चिकित्सा होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाई है, स्कूल की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा भी कहीं ना कहीं आप बेहतर हालत में नहीं चल रही हुई है। तो कौन कर सकता है सब ये? चिरंजीव राव कर सकता है और उम्मीद है हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों की, उससे पहले भी उसने किया है काम, ऐसी बात नहीं, कप्तान साहब ने इतनी योजना रहे हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है हमारे यहाँ पे। सतीश यादव का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, देखो उसका माहौल कुछ गाँव में इधर राउंड पे नहीं है, कहीं ज़्यादा भी है और कहीं कम भी, उसको हम डिक्लेयर नहीं, मैं भी नहीं कर सकता कि किस हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो चुनाव का माहौल है वो आपके सामने स्पष्ट आएगा आने वाले टाइम में। सतीश यादव भी विकल्प हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी उनकी जो रैलियाँ चल रही है उस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने मेन मुद्दा जो है वो यही है कि वो चिरंजीव राव यहाँ से बात करते हैं। हरियाणा से सटे दो राज्य जी, दिल्ली और पंजाब, दोनों जगह सरकार केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है। इस बार 90 की 90 सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने उतारे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, हम वो भी नहीं करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब मेन मुखिया ही अंदर हो तो। अभी बाहर आ गए ना? अभी बाहर आए हैं, वो अभी आए हैं जी, चुनाव प्रचार के टाइम पे जी, वो कोई फायदा नहीं है। अभी मेन मुद्दा यही है कि जब इतने टाइम से थे वो, उन्होंने दिल्ली से चर्चाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी चलो ठीक नहीं है, यहाँ जनाधार नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष को लेकर हमारे यहाँ पे जो मेरा जो जहाँ तक का मेरा रुझान है, मैं जितने गाँव में राउंड रहता हूँ वो तो कांग्रेस ही बनेगी और कांग्रेस पे ही हमारा फोकस रहेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, और चिरंजीव राव हमारे यहाँ के नियर बाई है, हम कभी भी जाके बैठ सकते हैं, उसको कुछ अपनी समस्या बता सकते हैं। हम ये कोई है कि दिल्ली जाके उनको बताएंगे या फिर इसको सतीश यादव को बताएंगे, सतीश यादव भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बेसी निकाल के उसको टलाने की कोशिश करता है, लेकिन चिरंजीव राव मतलब अपने नौजवान साथीगण की जुड़ते हुए और अपना काम तुरंत करता है। लगातार चुनावी चौपालें हमारी जारी हैं, आम लोगों से, स्थानीय लोगों से, गांव शहर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं क्षेत्र के, कि इस बार क्या कुछ होने वाला है रेवाड़ी विधानसभा में, क्या हरियाणा का समीकरण है, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो रेवाड़ी आ रहे हैं, सतीश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए कहीं ना कहीं आज रोड शो होगा, कहीं ना कहीं पलड़ा भारी करने के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भगवंत मान को बुलाया जा रहा है और ये रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। भगवंत मान आने से लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कुछ पलड़ा भारी होगा या क्या समीकरण बदलेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम मौजूद हैं अग्रसेन चौक पर और ये वही इलाका है जहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है भगवंत मान की रैली होनी है और यहाँ पर तमाम लोग इस चौक पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या भगवंत मान के आने से सतीश यादव के जनाधार में कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या कुछ माहौल बनना है। दादा क्या नाम है आपका? कृष्ण शर्मा। क्या लग रहा है, भगवंत मान आ रहे हैं आज, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सतीश यादव के समर्थन में कहीं कहीं रैली होनी है, क्या लगता है? भगवंत मान आएंगे रैली में का फ़र्क भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई सभी लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करें, बीजेपी को ही वोट दें क्योंकि बड़ी पार्टी है, भगवंत मान का इतना कुछ है नहीं आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करें, बीजेपी को सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्योंकि लंबे समय से कार्यकाल रहा भाजपा का हरियाणा में 10 साल से, तो क्या उल्लेखनीय कार्य हुए जो आप बताना चाहेंगे? दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखो एम्स की स्थापना बीजेपी में हुई है, जितने भी रोड के काम हैं सारे रोड के बहुत अच्छे काम हुए हैं, जितना लाइट्स का रोड्स का, गांव में पहले 2 घंटे लाइट आती थी, बीजेपी सरकार आने के बाद 24 घंटा लाइट गांव में रहती है, और रोजगार कौशल के तहत बहुत गरीब परिवार लोगों को बिना पर्ची डेवलपमेंट का काम हुआ है, बिना पर्ची बिना खर्ची बेरोजगार लोगों को, गरीब लोगों को जॉब मिला है बीजेपी सरकार में रोजगार कौशल में, और अभी नायाब सैनी उनको सैनी जी मंत्री जो मुख्यमंत्री हरियाणा के वो उनको अभी परमानेंट करने के उसमें भी हैं पक्ष में। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, मंसूबे हैं, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, राव चिरंजीव कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखो अब सारी पक्ष सभी पक्ष भी इलेक्शन में खड़े हैं, सतीश जी भी अपना दाव लगा रहे हैं, चिरंजीवी जी भी अपने लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सभी से ये अपील करूँगा लोगों से कि राष्ट्रीय बीजेपी जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें जी। आम आदमी पार्टी इस बार 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार उतारे हैं, हरियाणा से सटे राज्य दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, दोनों राज्यों में सरकार बनी है, कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और नए को मौका मिले, उसको लेकर क्या कहेंगे?
सर जब तक नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री जी, तो मैं तो चाहूँगा देश का युवा चाहेगा कि देश को अच्छी सुशासन सरकार मिले जी। अच्छी सुशासन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, और वो सब संभव है बीजेपी सरकार में। हरियाणा में किसी सरकार बनती देख रहे हैं? बीजेपी सरकार। चलिए और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अग्रसेन चौक, वही चौक जहाँ भगवंत मान कुछ देर में, कुछ आज ही के दिन यहाँ सभा करेंगे, कुछ ही दूरी पर। आइए, और लोग हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अमित सैनी। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? ये यहाँ पर चुनाव में त्रिशंकु टक्कर चल रही है जी, बीजेपी की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। त्रिकोणी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज भगवंत मान आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर, क्या माहौल बदलेगा? मुख्यमंत्री आ रहे हैं पंजाब के, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। फर्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। तो किसको देखते हैं विधायक के रूप में रेवाड़ी विधानसभा आने वाले चुनाव? देखिए फिलहाल तो देखो बराबर की टक्कर है बीजेपी की, कांग्रेस की और आम आदमी की भी। विकास की गाथाओं का जिक्र सभी उम्मीदवार कर रहे हैं, चाहे निर्दलीय हों चाहे पार्टियों से हों, तो आप किसको देखना चाहते हैं कि ये विकास की नई रणनीति तैयार करेगा, गाथा लिखेगा? सर विकास के तो देखिए तो हम बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि तो पूरे देश में प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा विकास किया है और मोदी के नाम पे वोट जाएंगे, मोदी के नाम पे वोट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सतीश यादव को लोग व्यक्तिगत रूप से पसंद कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अगर कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में जाएंगे तो क्या हवा पलटती देख रहे हैं? देखो ये पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है किस तरह उनका रुझान हो जाए जी, ये तो वक्त में बताए। पुराने इलेक्शन लड़े हुए इन्होंने और ये चेहरा अच्छा हो सकता है, चेहरा अच्छा संभावित विकल्प। हाँ हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं आम आदमी पार्टी का। भैया आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है माहौल, क्योंकि अग्रसेन चौक पर आप खड़े हैं और यहीं कुछ ही दूरी पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं सतीश यादव को समर्थन के लिए। सही है, अच्छी बात है जो आ रहे जी, अच्छी बात है आ रहे हैं, जो कुछ माहौल तो बदलेगा ही, बदलेगा। हाँ माहौल जो है बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी तो तीनों की लड़ाई है, तीनों के त्रिकोणी मुकाबला। हाँ त्रिकोणी मुकाबला है जी, लेकिन नया आदमी आ जाए तो अच्छी बात है। अभी तक जो मजदूर आदमी जो है बेचारे, उनके लिए जो है सही नहीं है बीजेपी, तो बीजेपी सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी मजदूरों के लिए सही नहीं है। और क्या कहेंगे, बाकी तो सब सही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन अब गरीबों के लिए तो भाई मजदूर जो है काम करना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार आ जाए हम करेंगे जब ही जो हमको ही जी जी मतलब होगा, अपने पेट पालने के लिए अपने काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेवाड़ी विधानसभा में त्रिकोणी मुकाबला बता रहे हैं, तो इस बार कौन हो सकता है, क्या बदलाव होगा या नया चेहरा जो है जिसको अब तक मौका नहीं मिला वो आगे आएगा? बदलाव तो होगा ही अब की बार, ऐसी बात नहीं, बदलाव होगा, बदलाव होगा। आम आदमी आ सकती है? आ भी सकती है, आम आदमी भी आ जाएगी, ऐसी बात थोड़ा है। सतीश यादव को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों देखते हैं कि सतीश यादव को मौका मिलना चाहिए जी? मैं आप लीजिए, आप लीजिए। अब सतीश यादव आ जाएंगे तो नया चेहरा हो जाएगा हरियाणा में, रेवाड़ी में जी, तो कुछ माहौल दूसरा बदल जाएगा, कुछ बदलेगा, कुछ बदलेगा। और भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जय श्री राम जी। हाँ सर आदेश करो। क्या लग रहा है माहौल? सर माहौल तो बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है जी, एक नंबर पार्टी। ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं जिनके घरों पर टीन पड़ी हुई थी और उन्होंने काबिया मिली है, अगर वो कांग्रेस सरकार होती आज तो वो नहीं लग पाते सर। तो कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि बदलाव होना चाहिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव वगैरह कुछ नहीं होगा जी, ये सब बाहर के हैं, कांग्रेस बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी के हम सपोर्टर हैं सर, बीजेपी के सपोर्टर। हाँ जी। तो ये भगवंत मान आ रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाओ, चाहे भगवंत मान आ जाओ चाहे वो अपने केजरीवाल आ जाओ, कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हरियाणा में। चलिए यहाँ पर हरियाणा में किसी सरकार बनती है? बीजेपी बनेगी सर। चलिए यहाँ पर हमने कई लोगों से चर्चा है की आम लोगों से, अग्रसेन चौक ये कहा जा रहा है और यहीं से कुछ ही दूरी पर जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, सतीश यादव आम आदमी पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करेंगे और महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। तमाम अपडेट्स और लगातार इस कवरेज के साथ बने रहिए, मैं शुभम यादव के साथ हरिओम वीर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।